हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे कली वाली शलवार का डायग्राम। तो ये जो है बेल्ट वाली कली वाली शलवार है, तो विदाउट बेल्ट वाली भी आप बना सकते हो, और ये है बेल्ट वाली। तो बेल्ट वाली के लिए सबसे पहले तो हमारी जो लेंथ है वो 39 इंच है, हिप है जो 40, और ये जो बॉटम है वो 7 इंच है। तो जैसे कि अक्सर क्या होता है, हम कली वाली शलवार कब बनाते हैं, जैसे कि कोई कपड़ा है, ठीक है, तो इस कपड़े में इस तरीके से पाइचे में जो होते हैं इधर एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि आपके जो कपड़ा है उसमें आपको एम्ब्रॉयडरी दी है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी हम क्या करते हैं कली वाली शलवार बनाते हैं, जैसे कुछ लोगों को शौक भी होता है तो उसके लिए भी कली वाली शलवार बनते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा होता है कि एम्ब्रॉयडरी होती तो हमें कली वाली शलवार बनाना ही पड़ता। तो जैसे इस तरीके से आपको, जैसे इस तरीके से जब पूरा प्लेन कपड़ा रहेगा पूरा, और यहाँ पर एक साथ में इन्होंने एम्ब्रॉयडरी दे दी है कुछ, तो क्या करते हैं हम यहाँ से स्ट्रेट कपड़ा निकालते हैं, यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से स्ट्रेट। तो अक्सर क्या होता है कि हमारा 19 इंच का जो है एक ऐसा लेयर निकलता है कपड़े का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्रॉस हो जाता है कभी, यहाँ पे थोड़ा क्रॉस हो जाता है इस तरीके से। तो जैसे अगर 45 का भी पना है तो 45 में से 22.5 होना चाहिए, पर नहीं, 19 न तो 20 इंच का ऐसे हमारा कपड़ा निकलता है, कभी ये 19 का रहेगा या कभी 20-20 का रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, जो इसको स्ट्रेट कली पहले निकाल लेते हैं, जो स्ट्रेट कपड़ा है हम ऐसे, जो यहाँ से समझो ऐसे 20 का समझो निकला, यहाँ से 20 का, तो हम पूरा ऐसे स्ट्रेट 20 का ऐसे निकाल लेते हैं, समझो ये 20 का है। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, वो कली जो हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रख के इसको रख देते हैं। जैसे इसी के ऊपर हम पहले स्ट्रेट करके हम 20 इंच का जो भी है, 20 इंच का 19 इंच का, हम पहले इसको डबल करके यहाँ पे रख लेते हैं और इसको फोल्ड कर लेते हैं, समझो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर हमारी एम्ब्रॉयडरी है इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे कपड़ा ऐसे रख लेते हैं, सो ऐसे डबल फोल्ड करके, जैसे हमारा ये डबल निकला ना, तो आपको डबल ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये चौबल हो जाएगा, ये जो दो कपड़ा था। तो आप दो ये दोनों कपड़ों को पहले एक के ऊपर एक रखेंगे, फिर इसे इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये चार लेयर हो जाएगा। वैसे तो ये दो लेयर है, पर ये दोनों को अगर एक के ऊपर एक रख के फिर इसको मोड़ेंगे तो चार हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हमारा चार लेयर कपड़े का हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो 20 इंच का निकला था, तो जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये 10 इंच का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, जो हमारा कपड़ा बचा है जो हमें दूसरा, फिर हम इसको यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हम कपड़ा जो बचा हुआ कपड़ा था उसको यहाँ पे ऐसे इसी के बाजू में बराबर एग्जैक्ट यहाँ पे रख देंगे, पर ये इधर से भी ओपन रहेगा, इधर से भी ओपन रहेगा, इधर से भी, ये चारों तरफ से कपड़ा ओपन रहेगा, कहीं पे भी पैक नहीं रहेगा, और इसका जो कपड़े का रहेगा चार लेयर रहेगा ये भी, ठीक है। अगर पैक भी रहता तो हम इसे ओपन कर देंगे, अभी मैं बताती हूँ किस तरीके से। अगर ये पैक भी रहा पर ये चारों तरफ से हमारा ओपन रहेगा, और पैक भी रहा तो इसे हमें कट करके इसको खुला करना है, और ये भी चार लेयर है, पर ये असली में दो लेयर है, बस इसको हमने डबल चौबल फोल्ड किए है, पर ये रहेगा दो, इसमें से यहाँ पे आपका फोल्ड रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने शलवार की जो नॉर्मल जैसे शलवार जो बेसिक है वो आप अगर सीख ले तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो चार लेयर है पर ये फोल्ड है, वैसे ये दो ही कपड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे चार कपड़ा रहेगा, यहाँ पे भी ये दिखने में चार रहेगा पर ये जॉइंट रहेगा तो ये दो ही रहेगा, जो हमारी ये जो दो है ना यही दो रहेगा, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ पे से मेजर करेंगे, तो जैसे पूरा कपड़ा है, जैसे यहाँ पे जैसे हमें पूरा चाहिए, जैसे हमारा ये एग्जाम्पल के तौर पर ये था 10 इंच, हाँ, और ये हमारा आ रहा है यहाँ पे समझो 12 इंच या 13 इंच, जो भी है हम पूरा ले लेंगे, और फिर जो नॉर्मल जो हमारा जैसे बेल्ट वाली है तो नॉर्मल हमारा ये 10-9 इंच जो भी है वो ले लेंगे, और फिर जो हमारा यहाँ पे पैचा है तो पैचा 7 का है, अगर यहाँ आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से इसे इस तरीके से इधर पे आपको मिला लेना है, 7 का पैचा है तो 1 इंच सिलाई के लिए 8, 7 का पैचा 1 इंच सिलाई के लिए, तो ये हो गया 8, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला लेंगे। फिर ये हो गई हमारी कली, ये हमारी चार कली हो जाएगी, इसको ओपन करेंगे एक कली, जैसे हमारा ये कपड़ा हमने ओपन करें, ठीक है, ये एम्ब्रॉयडरी आ गई, एक कली इधर जॉइंट हो जाएगी, एक कली इधर जॉइंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी शलवार बन जाएगी, और हम इसमें फिर बेल्ट लगा देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और बहुत ईजी है ऐसे, तो अगर आप शलवार समझ में गए होंगे तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह मैं आपको एकदम अच्छे से कपड़े पे भी आपको बताऊंगी,
और जैसे कि आपको अगर आता है तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ गया होगा, और आप जैसे बिगनर्स हैं तो भी आप कोशिश करिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको कपड़े की कटिंग के साथ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखते, अगर आप पूरी समझने की कोशिश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जैसे कि नॉर्मल शलवार होती है उस तरीके से कटिंग करना है, जैसे मैं यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे आधा इंच अगर आप पैचा अलग से लगा रहे हैं तो, ठीक है, अगर आप पैचा अलग से लगा रहे हैं तो मतलब एक इंच आपको एक्स्ट्रा, जैसे जितनी भी लंबाई हमारी बेल्ट में सब माइनस करते हैं तो आप 32 हो गया प्लस एक इंच, 39 में से हमने जो शलवार की लंबाई 39 थी हमने माइनस करे 7 इंच, और फिर 32 हो गया, फिर बेल्ट में हमने पैचा जब अलग से अगर जोड़ते हैं तो 1 इंच, अगर नहीं अलग से जोड़ते जैसे 7 में रहेगा हमारा 2.5 इंच यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो ये हमारा फ्रॉक है वो 9 से 10, ज़्यादातर 9 से 10 ही रहता है। अगर आप आपकी बेल्ट अगर अलग से है तो, अगर बेल्ट अगर साथ में बिना बेल्ट वाली आप सी रहे तो आपका 17 से 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच आपका डायरेक्ट रहेगा, अगर आप बिना बेल्ट वाली सिल रहे, अगर बेल्ट वाली सिल रहे तो आपका साथ में रहेगा। तो आज का इतना ही, ठीक है, चलो बाय।